यह है एमेरॉन की लेड एसिड टाइप की बैटरी, और इसे हम जनरली यूज करते हैं फोर व्हीलर्स के अंदर। फोर व्हीलर्स में यूज करने के दौरान कई बार हमें इसके अंदर का जो डिस्टिल वाटर है वो रिफ़िल करना पड़ता है, और उसको हमें चेक करने के लिए यहाँ पे टॉप पे एक का जो इंडिकेटर है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप स्टिकर पे देख सकते हैं, ग्रीन अगर आपको दिखाई दे इसके अंदर का कलर तो बैटरी ओके कंडीशन है, यानी कि हमें रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये सिल्वर कलर में आ जाता है तब हमें जो है इसमें रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अंदर का जो ये इंडिकेटर है ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है। तो मैं इसको अभी ओपन करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये इंडिकेटर अब मैं बाहर निकालने वाला हूँ। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले इस ग्रीन कलर को, और नोटिस कीजिएगा जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये कलर जो है सिल्वर में चेंज हो जाता है। और ये देखिए जैसे मैंने बाहर निकाला ग्रीन कलर जो था वो सिल्वर कलर में चेंज हो गया है। और इसको पूरा बाहर निकाल के देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह का है। दोस्तों ये इंडिकेटर निकालते वक्त इसके अंदर के सल्फ्यूरिक एसिड से स्किन को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किन को जला सकता है। और इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट्स है सेल्स की, और वो जो वाटर आपको दिख रहा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का मिक्सचर है। और ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर, ये इंडिकेटर का बॉटम पार्ट है, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की बॉल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये जो छोटी सी ग्रीन कलर की बॉल आपको दिखाई दे रही है ये जो है मेन रीजन है हमें ऊपर से देखने पर जो ग्रीन कलर दिखाई देता है उसका। और अभी जो है ये एकदम बॉटम में है, आके अटकी हुई है, और जब पानी को ये टच करती है तो ये फ्लोट होती है। तो फ्लोट होने के कारण क्या है कि ये जो यहाँ पे आप ये कांच का हिस्सा जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आके ये टच हो जाती है। जैसे ये टच होती है तो इसका जो कलर है हमें रिफ्लेक्शन होता है इसके ऊपर यहाँ पे। फ़िलहाल ये टच नहीं हो रही है इसलिए ये सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा था। और अब मैं आपको जो है इस बार इसको अंदर डाल के बताता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर डालता हूँ तो देखिएगा आप ये जो सिल्वर कलर था ये अब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर की जो छोटी सी ग्रीन बॉल थी वो अब फ्लोट हो रही है उस वाटर के अंदर, और उस अंदर के कांच के सेक्शन को टच कर रही है, जिससे उसके अंदर का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ टॉप पे दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों मेरे पास एक दूसरी बैटरी है, और इसमें क्या है कि वाटर लेवल इंडिकेटर जो है वो प्रॉपरली ग्रीन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा साइड में आपको सिल्वर ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, तो इसमें जो है वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो चुका है। तो इसको अब हमें रिफ़िल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक डिस्टिल्ड वाटर बॉटल, और ये मैं आपको इसमें फिल करता हूँ, और उसके बाद में बताता हूँ कि ये ग्रीन हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको। तो दोस्तों जो वाटर रिफ़िल करने के लिए हमें ये दोनों लिड्स है इसको ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करने में बहुत सावधानी रखिए। ग्लव्स है आपके पास तो इसका यूज कीजिए, और या फिर आप जो है किसी बड़े स्क्रू ड्राइवर या इस तरह का यूज कीजिए कोई भी इक्विपमेंट, ताकि इसके अंदर का जो वाटर है वो आपकी स्किन को टच ना करे। अगर स्किन को टच करता है तो तुरंत उसको पानी से धो लीजिए। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और आराम से ओपन कीजिए ताकि वाटर जो है वो स्पिल ना हो, और थोड़ा आँखों को भी दूर रखिए क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर। और इसको जो है एकदम आराम से पकड़ के आप यहाँ पे रख दीजिए। और ये रहे हमारी प्लेट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा वाटर जो है लेवल वो डाउन हो गया है। तो अब हम उसको रिफ़िल करते हैं। तो दोस्तों ये तीन होल आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली तीन सेल है जो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, और इसी के अंदर हम वाटर फिलअप करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसका कलर जो है इंडिकेटर का वो चेंज किस तरह से होता है। यहाँ मैं फर्स्ट सेल के अंदर पानी फिल कर रहा हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर में कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है।
अब हम दूसरे वाले सेल के अंदर फिलअप करके देखेंगे। और दूसरे वाले के अंदर फिलअप करते ही यहाँ मुझे प्योर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जैसा मुझे फर्स्ट बैटरी आपको जो दिखाई थी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, वैसा कलर यहाँ पे दिखाई देने दे रहा है। और इसी तरह अब मैं थर्ड में भी कुछ पानी फिल कर देता हूँ ताकि सेम लेवल मेंटेन कर सकूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी फिल कर दिया है, ये इंडिकेटर अब ग्रीन कलर शो कर रहा है। और हमने इस लिड को ओपन करके भी इसके अंदर के तीनों सेल के अंदर डिस्टिल वाटर को जो है रिफ़िल कर दिया है। और अब हमें इसे चार्जिंग में लगाना है। चार्जिंग में लगाने से क्या होगा कि ये जो फ्रेशली डिस्टिल वाटर डाला है वो इसके अंदर के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन जो है थ्रू आउट द बैटरी इक्वल हो जाएगी और इस तरह बैटरी का परफॉर्मेंस हमें पहले जैसा मिल जाएगा।